परमेश्वर हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं और आपके काम बहुत अद्भुत हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप प्रत्येक मनुष्य पर अनुग्रह करते हैं, प्रत्येक मनुष्य पर। और बहुत कम लोग हैं जो आपके अनुग्रह को समझ पाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो आपके प्रेम को पहचानते हैं, और बहुत ही कम लोग हैं जो आपकी इच्छा को जान पाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो आपके वचन को समझ पाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो आपके वचन के आधार पर आप पर विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं, फिर भी आप मनुष्यों से बहुत प्रेम करते हैं और आप मनुष्यों को छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, ताकि मनुष्य का जीवन पाप से छूटकर पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीने वाला हो, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो, आपकी सामर्थ के द्वारा बड़े बड़े कार्यों का आश्चर्य करने हो और आपका नाम हर जिंदगी में महिमान्वित हो। इसलिए हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं प्रभु प्रत्येक मनुष्य आपके प्रेम को पहचान सके और इस बात को गर्व के साथ कह सके कि हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है और उसे हमारा ध्यान रहता है। हम बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है। कल किसी कारणवश से समय नहीं मिल पाया तो आप तक कल का मैसेज नहीं पहुंचा, लेकिन आज आपको परमेश्वर के समाचार को और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया, ताकि मैं आज फिर आपके साथ परमेश्वर के वचन से एक नए विषय को बांट सकूं। और आज का विषय है कि परमेश्वर ने मनुष्य को किस प्रकार बनाया। और जैसा कि हमने देखा टेम्पटेशन के ऊपर, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि क्या कारण है मनुष्य के जीवन में परीक्षाओं का होने का, परीक्षा क्यों होती है, यानी टेम्पटेशन क्यों आता है मनुष्य के जीवन में। टेम्पटेशन ऐसा क्या चीज़ है जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होती है। परमेश्वर ने मनुष्य को कठपुतली या रोबोट नहीं बनाया है जिसे परमेश्वर अपनी उंगली के इशारों पर चलाए, बल्कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा पर छोड़ दिया है कि मनुष्य स्वयं की इच्छा से जीवन जिए और स्वयं की इच्छा से अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करे। परमेश्वर मजबूर व्यक्ति की मजबूरी का फायदा कभी नहीं उठाता है। परमेश्वर मनुष्य की निर्बलता का भी फायदा कभी नहीं उठाता। परमेश्वर मनुष्य की अज्ञानता का भी फायदा नहीं उठाता है। लेकिन परमेश्वर का विरोधी शैतान मनुष्य की मजबूरी का, निर्बलता का और अज्ञानता का पूरा पूरा फायदा उठाता है और मनुष्यों को अपनी युक्ति में फंसाता है। टेम्पटेशन, जिसे हिंदी में परीक्षा कहा गया है, इसका साधारण अर्थ होता है दुविधा में पड़ जाना, डबल माइंड हो जाना, दुविधा में पड़ जाना, असमंजस अर्थात असमंजस की स्थिति में फंस जाना। जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करता है तो बार बार उसके जीवन में उसकी स्वयं की इच्छाओं और परमेश्वर की इच्छा, इन दोनों इच्छाओं के बीच निर्णय लेने का अवसर आता है और यहीं पर वो व्यक्ति दुविधा में फंस जाता है, क्योंकि वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अब ऐसी दशा में जो उसका स्वयं का निर्णय होता है वही मान्य होता है परमेश्वर की दृष्टि में भी। इसलिए जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के सिखाए चलता है तो कभी कभी उस व्यक्ति की आवश्यकता और परमेश्वर की इच्छा में ये निर्णय करना कि वो अपनी आवश्यकता को प्राथमिकता देगा या परमेश्वर की इच्छा को, ये उस व्यक्ति की परीक्षा होती है। यही दुविधा की, असमंजस की स्थिति है और इसी में वो दुविधा में पड़ता है और यही उसकी परीक्षा है। क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को जो स्वयं की इच्छा से पवित्र आत्मा को फॉलो करता है, अर्थात पवित्र आत्मा की इच्छा को अपने जीवन में अपनाता है, पवित्र आत्मा के अनुसार निर्णय लेता है और अपनी इच्छा अर्थात अपनी आवश्यकताओं और अभिलाषाओं को प्राथमिकता देना छोड़ देता है और परमेश्वर की इच्छा और योजना को अपने जीवन में पूरा होने के लिए
हर परिस्थिति में अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निर्णय के साथ अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करता जाता है, यानी इसी को कहते हैं कि निर्णायक समर्पण। हम देखते हैं कि मनुष्य जो प्रार्थना करता है वो प्रार्थना उस व्यक्ति की स्वयं की इच्छा होती है जिसे वो बोलकर प्रकट करता है कि परमेश्वर उसकी उस इच्छा को जाने। परंतु परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करने का काम करता है, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को समझकर प्रार्थना करे तो वो कभी भी प्रार्थना में अपनी इच्छा को प्रकट नहीं करेगा, केवल परमेश्वर का धन्यवाद करेगा और परमेश्वर की के वचन के द्वारा अपने आप को अर्थात अपनी इच्छाओं को मारकर परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में ग्रहण करके ये प्रार्थना करेगा कि मेरी नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। तभी परमेश्वर की योजनाएं उस व्यक्ति के जीवन में पूरी होंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति के जीवन में होता है और वो व्यक्ति अपनी स्वयं की इच्छाओं को छोड़कर पवित्र आत्मा के अनुसार ऐसी परिस्थितियों में जाता है जहां उसे भोजन और जल जो शरीर के लिए अति आवश्यक है उपलब्ध नहीं होते हैं, ताकि उस व्यक्ति की परख हो सके कि वो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए चिंतित होता है या पवित्र आत्मा के सिखाने से ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर रहता है। जैसा कि निर्गमन की व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 8 अध्याय में हम चल के देखेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसके पहले पद से हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसके पहले पद से, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। सबसे पहली चीज़ परमेश्वर मनुष्य के लिए ये सोचता है कि मनुष्य जीवित रहे, और दूसरी चीज़ जो जीवित रहने के साथ साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट है वो है बढ़ता रहे, जीवित रहे और बढ़ता रहे। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। तीसरी बात, परमेश्वर हमको अधिकारी बनाना मांगता है इस पृथ्वी पर, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया, जानबूझ के परमेश्वर इसराइलियों को जंगल के मार्ग से लेके चल रहा था, क्योंकि यहाँ कारण लिखा है इसलिए जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। मनुष्य के मन में क्या है परमेश्वर के लिए, मनुष्य के मन में परमेश्वर के लिए प्रेम है कि नहीं है, मनुष्य के मन में परमेश्वर के प्रति विश्वास है कि नहीं है, परमेश्वर मनुष्य के मन में परमेश्वर के प्रति जो भरोसा होना चाहिए वो है कि नहीं है, ये सब बातों को चेक करने के लिए वो जंगल के मार्ग से ले गया कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वो मन्ना जिसे ना तो तू ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। और इसीलिए इसमें आगे लिखा हुआ है, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले, फिर अपने मन में ये तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे स्रोतों का देश है, फिर वो गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी,
वहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोदकर निकाल सकेगा और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। ये परमेश्वर ले जा रहा था उनको, लेकिन ले जा रहा था जिस देश में ले जा रहा था वहाँ भरपूरी का देश था, लेकिन इन लोगों को जांच रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि ये वहाँ जाकर लालच में शारीरिक उनमें फंस जाएंगे और शारीरिक बातों को पूरा करने में लग जाएंगे, इसलिए इनको जांच रहा था। इसी के साथ साथ व्यवस्था विवरण के 6 अध्याय में आएंगे, 6 अध्याय के 10 पद से यहाँ पर आज्ञा उल्लंघन के विरुद्ध चेतावनी, यानी जो लोग आज्ञा उल्लंघन करेंगे उनके लिए चेतावनी यहाँ पर दी जा रही है। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुँचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इजहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वो तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वो दे और तू खा के तृप्त हो तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। तुम पराए देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वो जल उठने वाला ईश्वर है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वो तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चेतावनियों और विधियों को जो उसने तुझको दी हैं सावधानी से मानना, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही किया करना जिससे कि तेरा भला हो, और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए, कि तेरे सब शत्रु तेरे सामने से दूर कर दिए जाएं जैसा कि यहोवा ने कहा था। फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे ये चेतावनियां और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है इनका प्रयोजन क्या है, तब अपने लड़के से कहना, जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे तब पर यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया, और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए और हमको वो वहाँ से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुँचाकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी इसको हमें सौंप दे, और यहोवा ने हमें ये सब विधियाँ पालन करने की आज्ञा दी इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो और वो हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। ये परमेश्वर ने उन लोगों को बताया था। और अब इसी के साथ साथ व्यवस्था विवरण 8 अध्याय के 11 पद से पढ़ेंगे, प्रभु को भूलने के विरुद्ध चेतावनी, ये वार्निंग थी जो लोग इस सब बातों को जान लेंगे और फिर अगर भूल जाएंगे और भूल से ऐसा कुछ करेंगे जिससे परमेश्वर का क्रोध इन पर प्रकट होगा, इसलिए सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूल कर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे, ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए
और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए और जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे जैसा आज प्रकट है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनकी उनको दंडवत करेगा तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन ना मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। परमेश्वर का वचन ना मानने के कारण ही लोग नष्ट होते हैं और ऐसे लोग प्रार्थना बहुत ज़्यादा करते हैं। प्रार्थना मनुष्य की अपनी इच्छाएं हैं जो वो परमेश्वर के आगे बोलकर प्रकट करता है, जबकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। लोग परमेश्वर की इच्छा को जाने बिना अपनी इच्छा को उस पर प्रकट करते रहते हैं और इसी में वो बिजी रहते हैं और इसी को वो धर्म मानते हैं जबकि ये धर्म नहीं है। मरकुस रचित सुसमाचार में चलेंगे, उसके पहले अध्याय के 9 पद से पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 9 पद में यहाँ इस प्रकार लिखा है, उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यर्दन में यहुन्ना से बपतिस्मा लिया और जब वो जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा और ये आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। ये परमेश्वर पिता ने उस आत्मा को जो पुत्र का आत्मा उतरा था उसके लिए ये आकाशवाणी के द्वारा लोगों को बताया। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा, किसको? यीशु को। तब परमेश्वर की आत्मा जो उस पर उतरी थी उसने तुरंत यीशु को जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। कितने दिन तक परीक्षा की? 40 दिन तक। 40 दिन तक यीशु मसीह की परीक्षा शैतान से होती रही। कौन लेके गया था उसको परीक्षा के लिए? परमेश्वर का आत्मा लेकर गया था और वो वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी तो अच्छी बात यह है कि परमेश्वर का आत्मा हमें ले जाता है, जंगल में ले जाता है, ऐसी परिस्थितियों में लेकर जाता है। जंगल दिखाता है ऐसी परिस्थितियों को जहाँ पर मनुष्य के लिए कोई प्रोविजन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई चीज़ उपलब्ध नहीं होती है और वो हर चीज़ के लिए निर्भर होता है। वो यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर रहा और परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर रहने का कारण ये रहा कि वो अपनी परीक्षा में भी पास रहा और साथ साथ स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। ये बात हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है कि जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम परीक्षा में जाते हैं यानी टेम्पटेशन में होते हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ होता है तो हमें ये हमको ये फायदा मिलता है कि हमें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा समझ प्राप्त होती है, बुद्धि प्राप्त होती है और सामर्थ्य प्राप्त होती है, सहन शक्ति बढ़ती है और साथ ही साथ स्वर्गदूत हमारी सेवा टहल करते हैं। लूका रचित सुसमाचार में आकर आगे चलेंगे और वहाँ पर भी इसी इंसिडेंट को देखेंगे। 4 अध्याय में लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 4 अध्याय का पहले पद से पढ़ेंगे। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यर्दन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा।
और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। 40 दिन तक उसको भूख नहीं लगी, लेकिन जब उसकी परीक्षा का समय पूरा हुआ तो उसे भूख लगी, और जब उसे भूख लगी तब असली परीक्षा उसकी शुरू हुई। इसका मतलब 40 दिन तक शैतान उसको सिर्फ परख रहा था कि इसको भूख लगे, इसको भूख लगे, ये अपनी ज़रूरत के लिए कुछ तो आवश्यकता को प्रकट करे। लेकिन जब 40 दिन बीत गए, अंत में जब यीशु मसीह को भूख लगी, तब उसने अपनी आवश्यकता प्रकट की, और वो आवश्यकता थी कि उसको भोजन चाहिए था। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे और ये सब तेरा हो जाएगा, तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। और इसके तुरंत बाद लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील से लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। इन सब बातों के द्वारा हमको ये समझ में आ रहा है कि परमेश्वर पहली बात किसी की परीक्षा नहीं करता, लेकिन बिना परीक्षा के परमेश्वर किसी को अपनी सामर्थ्य भी नहीं देता। इब्रानियों की पत्री में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में 5 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसके 5 अध्याय, 5 अध्याय के 8, 9, 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया और उसे परमेश्वर की ओर से मेलकिसेदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। ये कब मिला? सिद्ध बनकर। जब हम परीक्षा पास करते हैं तभी हम सिद्ध बन सकते हैं। इसलिए पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसके 15 पद से, संसार से प्रेम ना करो। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। और ये बात केवल परमेश्वर की इच्छा में बने रहने वालों के लिए ही सिद्ध होती है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 6 अध्याय के 25 पद से हम देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 25 पद, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है
जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं ना कातते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज या कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। और इसी के साथ साथ यही सेम बात को लूका ने इस प्रकार से वर्णन किया है। लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय अध्याय 12 निकालेंगे, अध्याय 12 अध्याय का 22 पद से देखेंगे। परमेश्वर पर भरोसा रखो। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो फिर और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वो तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। और तुम इस बात की खोज में ना रहो क्या कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है, पहली बात। और शैतान कभी कभी हमारी आवश्यकताओं को सामने रखकर हमें दुविधा में डालता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के सामने जब ये दुविधा आई, जब उसे भूख लगी, तो परखने वाले शैतान ने उससे कहा कि पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। और प्रभु यीशु मसीह इस तरीके का कोई काम नहीं करता जिसे जादू टोना कहा जाता है। उसने कहा कि मेरे पिता, जो कुछ मेरा पिता करता, मैं वही करता हूँ जो पिता को करते देखता हूँ। और परमेश्वर पिता ने कभी किसी पत्थर को रोटी नहीं बनाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की इस चाल को समझ लिया कि पत्थर को रोटी नहीं, बल्कि मेरा पिता मुझे रोटी देना जानता है, उसको मालूम है, उसको मेरी चिंता है। हम और आप अक्सर छोटी छोटी चिंताओं से अपने इस अमूल्य जीवन को नष्ट करते हैं, अपनी मानसिकता बिगाड़ लेते हैं। अपने सोच विचारों से हम एक अजीब विकृत मानसिकता अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, और फिर हम विश्वास तो दूर की बात है, हम अविश्वासी से भी बढ़कर बुरे हो जाते हैं। और परमेश्वर को तो हम जानते नहीं और जानना ही नहीं चाहते, बल्कि हम अपने प्रयासों में ही लगे रहते हैं कि हम नहीं करेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, अगर हम प्रयास नहीं करेंगे हम कुछ काम नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि उसने हमें बुद्धि दी है, समझ दी है, शरीर दिए, हाथ पैर दिए। परमेश्वर चाहता है कि हम काम करें, लेकिन अपने काम पर निर्भर ना हो, हमारा जीवन परमेश्वर पर निर्भर हो, जो हमें सब कुछ करने की सामर्थ्य देता है। उसे सबसे पहले अपने जीवन में स्थान दे, जो हमें जीवन देता है और जीवन में काम करने की और सब कुछ करने की सामर्थ्य देता है।
ताकि हमारा जीवन परमेश्वर पर निर्भर हो और हमारे जीवन का आधार परमेश्वर हो। और परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए मजबूत करता है और इस बात में हमको जागृत करता है कि हम खुद ईश्वर का रूप ना बन जाएं, बल्कि अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें और क्यों जो हमारा ध्यान रखता है, जिसको हमारी चिंता है। आइए अपने इस जीवन को उसके आगे समर्पित करें और आज हम परमेश्वर से ये कहें कि परमेश्वर का वचन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। यदि परमेश्वर का वचन हमें सही जानकारी ना दे तो हमें ये नहीं पता चलता है कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है। यदि परमेश्वर का वचन हमें सत्य ना बताए तो हमें परमेश्वर के विषय में परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर रहा है और क्या क्या करेगा, हमें कभी नहीं पता चलेगा। बजाय इसके कि एक घंटा बैठकर उससे अपने मन की बातों को बड़बड़ाकर बोलें, उससे अच्छा है कि उसके वचन में ध्यान करें और उसके वचन को समझें, ताकि ये वचन आपके जीवन को बदल दे, आपकी सोच को बदल दे, ताकि आपका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो। अपने आप को समर्पित करें और उसके वचन पर ध्यान करना शुरू करें। उसको बताना छोड़ दीजिए कि आप बता रहे हैं कि आप कितनी परेशानी में हैं। क्या उसको नहीं मालूम है कि लोग कौन किस दशा में है? वो सबको जानता है। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि तुम उसके वचन में जाओ। जिन परेशानियों में हम हैं उसके कारण हम स्वयं हैं, हमारी मानसिकता है, हमारी इच्छा हमारी परीक्षा का कारण बनती है। इसलिए अपनी इच्छा को नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को जानें परमेश्वर के वचन के द्वारा, ताकि आप दुविधा में ना फंसें और आप परमेश्वर की महिमा का कारण बने। परमपिता परमेश्वर, अपने आप को और सब उन लोगों को जो आपके वचन को ध्यान से सुनते हैं और ग्रहण करते हैं और मानते हैं, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। चाहते प्रभु हम अपनी बातें आपको ना बताएं बल्कि आपकी बातों को प्राप्त करें, आपकी जान आपके विषय में कि आपने हमारे लिए क्या क्या किया है और आप क्या क्या कर रहे हैं और आप क्या क्या करेंगे, इन बातों में मन लगाएं, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो और हमारे जीवन में आपकी सामर्थ प्रकट हो और आपकी सामर्थ के द्वारा हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो। सारा आदर सारी महिमा इस प्रार्थना को आपके कृपा के पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।